बांग्लादेश में 7 जनवरी को आम चुनाव हुए, जिनके नतीजे कल यानी 8 जनवरी को आएंगे। जहां विपक्षी पार्टियों ने आम चुनाव का बहिष्कार किया, तो वहीं पीएम शेख हसीना की पार्टी की जीत तय मानी जा रही है। माना जा रहा है कि पीएम हसीना की पार्टी चौथी बार सत्ता में आ सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि पीएम हसीना की पार्टी आवामी लीग बांग्लादेश की इकलौती ऐसी पार्टी है जो खुद को सेक्युलर बताती आ रही है। आज इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि आखिर क्यों पीएम हसीना की जीत तय मानी जा रही है और बांग्लादेश के इस चुनाव में हिंदुओं की क्या भूमिका है। आखिर क्यों पीएम हसीना ने 20 हिंदू उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। सबसे पहले बात करते हैं पीएम शेख हसीना के बयान की जो उन्होंने वोटिंग के दौरान दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने भारत की तारीफों की पुल बांधे और भारत को सच्चा दोस्त बताया। उन्होंने कहा, well, India is our trusted friend during our liberation war. They supported us not only that after 75 when we lost. We two sisters, you can see. When we lost our whole family, father, mother, brothers, everyone, only we two survived. So they gave us shelter. So we have our best wishes to the people of India. अब बात करते हैं कि आखिर शेख हसीना की जीत तय क्यों मानी जा रही है। दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश की अलग तस्वीर सामने आई है। मुस्लिम बहुल राष्ट्र जो कभी दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल था, उसने हसीना के कार्यकाल में साल 2009 के बाद से ऐतिहासिक आर्थिक प्रगति हासिल की है। बांग्लादेश सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि बीते 20 सालों में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से निकले हैं। और तो और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय बीते दशक में 3 गुना हो गई है। पीएम हसीना के नेतृत्व में कई बड़ी परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं, जो आने वाले समय में बांग्लादेश की जीडीपी को बढ़ोतरी दिलाएंगी। इन सब को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी के लिए हसीना का सत्ता में वापस लौटना साफ दिख रहा है, लेकिन उनकी सत्ता को आने वाले समय में अलग अलग क्षेत्रों में चुनौती मिलती दिख रही है। पीएम शेख हसीना ने इस बार हिंदुओं पर भरोसा जताया है। उनकी आवामी पार्टी लीग ने इस बार 298 उम्मीदवारों में से 20 हिंदू उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, और यही वो उम्मीद है जो हिंदुओं को आवामी लीग से जोड़े हुए हैं। खास बात यह है कि 16.5 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में ना तो कोई पार्टी 1.32 करोड़ हिंदुओं के लिए खुलकर ऐलान करती है और ना ही उन्हें खुद से जुड़ा हुआ दर्शाना चाहती है। हालांकि पिछले चुनाव में पीएम हसीना ने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किए बिना अल्पसंख्यकों के लिए कुछ घोषणाएं की थीं, पर इस बार वो भी राजनीतिक मजबूरियों में बंद कर इस्लामिक एजेंडे पर चलने वाली कुछ पार्टियों को आवामी लीग से जोड़ चुकी हैं। गौर करने वाली बात ये भी है कि देश में कुल 44 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से आवामी लीग इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने खुद को सेकुलर पार्टी घोषित कर रखा है। इन सब के बीच आवामी लीग ने 20 हिंदू उम्मीदवारों को मैदान में उतार कर सबको चौंका दिया है। बता दें कि बांग्लादेश की संसद में कुल 350 सीटें हैं, जिनमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यहाँ की खास बात यह है कि आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं होता, जबकि 300 सीटों पर हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए न्यूज़18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।